बहुत ही आज एक प्रसन्नता का सौभाग्य का विषय है कि इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे अभी नवनियुक्त गृहमंत्री जो गृहमंत्री बनने के बाद राजधानी से बाहर पहली बार किसी प्रदेश में आगमन आपका हुआ, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और योग दिवस का यह अवसर हम सबके लिए एक प्रेरणा का अवसर है, क्योंकि योग हमारी बहुत प्राचीन विद्या और इस विद्या को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कराने वाले आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री 5 वर्ष पहले जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कराई और विश्व के 177 देशों ने अपने इस भारत के प्रस्ताव पर, प्रधानमंत्री जी के प्रस्ताव पर मोहर लगाकर भारत की शान बढ़ाई, भारत को एक ख्याति दिलाई। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। योग को बढ़ावा देने के लिए हम हरियाणा प्रदेश में भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। कल ही हमने हरियाणा में योग विद्या का प्रचार प्रसार करने के लिए योग परिषद का गठन किया। इस योग परिषद के माध्यम से हरियाणा का युवा, वृद्ध, महिला, पुरुष, बच्चे, शिक्षार्थी, विद्यार्थी सब लोग अपने दैनिक जीवन में योग को उतारें, ताकि योग से अपने शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक इन सब बातों को लेकर के अपना विकास कर सकें। हमने गांव गांव में योगशालाएं बनाने का भी जो निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत अभी तक लगभग 1000 योग ग्रामशालाएं इनका निर्माण हो चुका है। इसमें योग शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। योग को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। आज तो मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने जिस प्रकार हरियाणा में लगातार अपने प्रवास करके हमको जो अपना आशीर्वाद दिया है, जो प्रेम आपने दिखाया है, ये लगातार आपका आशीर्वाद और प्रेम ये बना रहे, इसी निवेदन के साथ मैं आपको निमंत्रित करता हूं कि आप हमारे ये हजारों योग प्रेमी साथी आज इस मैदान में आए हैं। आज वैसे तो हरियाणा भर में 80 स्थानों पर ये योग का कार्यक्रम इसी समय चल रहा है। मेरा अनुमान है कि लगभग 5 लाख लोगों ने हरियाणा में आज के इस योग कार्यक्रम में भाग लिया होगा। मैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। मैं मान्यवर आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।